दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अभी ऐसी खबर आ रही है कि DRDO ने ओडिशा कोस्ट से SFDR मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल किया है। सॉलिड फ्यूल डॉक्टर रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने एक स्टेटमेंट में यह बताया है कि इस टेस्ट ने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है और जो मिसाइल में लगे सभी क्रिटिकल सिस्टम्स हैं वो सही तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों SFDR प्रोपल्शन ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम है जिसे कि मीटियोर मिसाइल में भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी रेंज और उसका नो एस्केप जोन काफ़ी ज़्यादा है। और यही सिस्टम हमारी अस्त्र Mk3 मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर के तक बताई जा रही है। इससे पहले भी इस मिसाइल के टेस्ट किए जा चुके हैं। 2018 में SFDR टेक्नोलॉजी को पहली बार टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में पहली बार नोजल लेस बूस्टर को भारत में टेस्ट किया गया था, लेकिन इस टेस्ट के दौरान जो सेकंड रैमजेट इंजन था वो एक्टिवेट नहीं हो पाया था। इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट 2019 में हुआ था, जब रैमजेट इंजन को सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। इसके बाद DRDO ने 2021 में इस मिसाइल का फिर से टेस्ट किया था, जिसमें सभी सब सिस्टम्स सही काम कर रहे थे, जिसमें ग्राउंड बूस्टर मोटर और दूसरे सिस्टम शामिल थे। और उसके बाद अब फिर से इसका टेस्ट किया गया है और उसके बाद अब ये मिसाइल तैयार होने के बिल्कुल करीब है। तो चलिए वीडियो के अगले पार्ट में ये जानते हैं कि ये मिसाइल कैसी है और ये कैसी हमारे देश की देसी मीटियोर होने वाली है और उससे बेहतर होने वाली है। दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हवा का युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज ए टू एयर मिसाइल्स के ऊपर ही बेस्ड हो गया है। वो विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट नहीं रहा है, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट हो गया है, जिसमें बहुत लंबी दूरी से ही किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा काम करने के लिए बहुत लंबी दूरी की मिसाइल्स की ज़रूरत है, जिसमें आज मीटियोर मिसाइल्स का सबसे बड़ा नाम है। और ऐसी मिसाइल बनाने के लिए ही बहुत सारे देश काम कर रहे हैं। आज का युद्ध बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ऊपर इतना निर्धारित हो गया है कि साब के ग्रिपन जैसा एयरक्राफ्ट के बारे में भी ऐसा उनकी कंपनी क्लेम करती है कि वो अपने मीटियोर मिसाइल के साथ रशिया के Su-35 एयरक्राफ्ट का किलर है, यानी कि उनको अपनी मिसाइल के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है। ऐसी बातों से ही पता चलता है कि आज का युद्ध कितना बदल गया है। और इसी काम को करने के लिए हमारा देश भी बहुत सारी कोशिशें कर रहा है और हमारा देश भी ऐसी ही मिसाइल डेवलप कर रहा है। हमारा देश एक SFDR मिसाइल का टेस्ट कर चुका है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन के ऊपर काम करती है। इस मिसाइल का नाम अस्त्र Mk3 रखा जाएगा। इस मिसाइल की रेंज के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 17 किलोमीटर से लेकर 370 किलोमीटर तक होगी, यानी कि इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक पहुँच जाएगी। और इस मिसाइल की ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि ये बहुत लंबी दूरी से किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बना पाएगी और इसका नो एस्केप जोन भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है, यानी कि 100 किलोमीटर की रेंज में हमारे एयरक्राफ्ट की मिसाइल से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बच पाएगा। यही कारण है कि ये मिसाइल हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक मिसाइल्स को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोपल्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो सिंपल सॉल्ट रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है या ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है या SFDR यानी कि रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ ही अभी स्क्रैमजेट प्रोपल्शन के ऊपर भी काम हो रहा है। इससे पहले जो हमारा देश दो मिसाइल डेवलप कर रहा है वो अस्त्र Mk1 है और अस्त्र Mk2 है। अस्त्र Mk1 में सिंपल कन्वेंशनल सॉल्ट स्टेट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारी दूसरी अस्त्र Mk2 मिसाइल है उसमें हम ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो हमारी तीसरी मिसाइल होगी, जो कि अस्त्र Mk3 मिसाइल होगी, वो सॉलिड स्टेट डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेगी। इन सभी तीनों मिसाइल्स के प्रोपल्शन सिस्टम में अंतर समझने के बाद ही हमें समझ लगेगी कि जो हमारी SFDR मिसाइल है वो इतनी खास क्यों है। सबसे पहले जो हमारी अस्त्र Mk1 में प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो है सिंपल रॉकेट बूस्टर प्रोपल्शन सिस्टम, जिसमें जब मिसाइल फायर की जाती है तो अपने प्रोपेलेंट को फुल स्पीड पर बर्न करना शुरू कर देती है, जिसके साथ उसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है और उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जी मनूवर्स वो कर सकती है, जिससे वो एयरक्राफ्ट का पीछा कर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर कोई भी एयरक्राफ्ट उससे दूर है तो वो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पहुँच जाती है
और ऊपर जाकर उस एयरक्राफ्ट के ऊपर से ग्रेविटी की मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर कोई एयरक्राफ्ट बहुत लंबी दूरी के ऊपर मौजूद होता है तो क्योंकि ये मिसाइल एक ही बार में अपना ज़्यादा फ्यूल खर्च कर देती है तो लास्ट स्टेज पर तो इसके टर्मिनल फेज पर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये दूसरे एयरक्राफ्ट को ज़्यादा स्पीड के साथ अटैक कर सके। इसीलिए ये ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर ग्रेविटी की मदद से दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी लंबी दूरी पर दूसरे एयरक्राफ्ट इससे बच जाते हैं क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। यही कारण है कि इस प्रोपल्शन वाली मिसाइल्स बहुत लंबी दूरी की रेंज के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं और इनका नो एस्केप जोन काफ़ी कम होता है। और इसी कमी को दूर करने के लिए बाद में ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर बनाई गई जो कि अस्त्र मार्क टू में लगाई गई है। इसमें जो फ्यूल है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है जिसमें इसकी फ्लाइट के दौरान अलग सेक्शन का फ्यूल जलाया जाता है और जब इसने टर्मिनल फेस पर पहुंचना होता है यानी कि दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करना होता है तब इसके अंदर के सेक्शन वाले फ्यूल को जलाया जाता है जो आमतौर पर एक ज़्यादा तेज़ी से जलने वाला फ्यूल होता है जिसकी उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। और इसमें ऐसी एल्गोरिथम लगाई जाती है जिससे कि वो एयरक्राफ्ट के नज़दीक पहुंचने के ज़्यादा तेज़ी से जलने वाला फ्यूल जलाना शुरू कर देती है और उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके साथ ही रैमजेट प्रोपल्शन भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक ही मिसाइल में रैमजेट इंजन भी लगाया जाता है और एक सॉल्ड मोटर भी लगाई जाती है। इसी प्रोपल्शन टेक्निक का इस्तेमाल हमारी अस्त्र मार्क 3 में किया जाएगा जिसमें जब इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा तब इसका सॉल्ड बूस्टर काम करना शुरू कर देगा जो कि इस मिसाइल को ऐसी स्पीड पर ले जाएगा जिसके बाद इसका रैमजेट इंजन काम करना शुरू कर देगा। और जब इसका रैमजेट इंजन काम करना शुरू कर देगा तो ये बहुत तेज़ी की स्पीड को अचीव करना शुरू कर देगी। लेकिन इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये अपनी स्पीड को कंट्रोल भी कर पाएगी और अपने हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर पाएगी जिससे इसकी एनर्जी भी काफ़ी बच जाती है और ये अपने टर्मिनल फेज पर दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक भी कर सकती है और दूसरी एयरक्राफ्ट की स्पीड के हिसाब से ही अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकती है जिसके कारण इसका नो एस्केप जोन काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि इसके टर्मिनल फेस में भी ये मिसाइल बहुत स्पीड से अटैक कर सकती है। लेकिन इन मिसाइल्स के साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो इनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारी जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है उसका वजन 250 किलोग्राम तक बताया जाता है जो कि मीटियोर मिसाइल से 16 किलोग्राम ज़्यादा होने वाला है। यही कारण है कि इस मिसाइल से पहले अस्त्र मार्क 2 मिसाइल आएगी जो कि इससे हल्की होगी। लेकिन जो हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है इसकी बहुत सारी खूबियां हैं जो कि इसे काफ़ी खास बनाती हैं। ये इतने हाई जी मनूवर्स कर पाएगी कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट इससे बच ही नहीं पाएगा, यानी कि ये इतनी तेज़ी से टर्न ले पाएगी कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट इससे बच ही नहीं पाएगा। इसके टर्न लेने की क्षमता ऐसी बताई जाती है कि ये 14 जी तक के साथ टर्न ले सकती है और ये दूसरे एयरक्राफ्ट को बचने का बिल्कुल मौका नहीं देगी। और इसके साथ ही ये दुश्मन के एरियल टैंकर्स या एयरवॉक्स जैसे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। ये जो दुश्मन के बड़े टारगेट होंगे उन्हें बहुत लंबी दूरी से ही अटैक कर पाएगी और डिस्ट्रॉय कर पाएगी। और इसके साथ ही ये छोटे टारगेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। अभी हमारे DRDO ने इस मिसाइल के 2 टेस्ट किए हैं और इस मिसाइल के दोनों टेस्ट ही कामयाब हुए हैं। लेकिन जब ये मिसाइल की टेक्नोलॉजी काफ़ी मैच्योर हो जाएगी और जब इस टेक्नोलॉजी को हम मास्टर कर लेंगे तो तब इस मिसाइल को बनाया जाएगा। अभी जो इस मिसाइल की टाइमलाइन है उसके बारे में ऐसी जानकारी दी जाती है कि सबसे पहले अस्त्र मार्क 2 मिसाइल आएगी जो कि 2023 तक आ सकती है। उसके बाद 2026-28 तक ही अस्त्र मार्क 3 मिसाइल आएगी क्योंकि अभी हमने इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम तो कर लिया है लेकिन अभी भी इसकी टेक्नोलॉजी को हम इतना परफेक्ट नहीं कर पाए हैं कि हम बहुत ज़्यादा हाई जी के ऊपर मनूवर्स कर पाएँ और हमारी मिसाइल अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वो इतने एक्सट्रीम मनूवर्स को कर पाए जिसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके साथ ही इस मिसाइल की ये भी लिमिटेशन है कि ये ज़्यादा हैवी है और इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसीलिए इसे सिर्फ कुछ गिने चुने एयरक्राफ्ट के साथ ही लगाया जाएगा जो कि हमारे हैवी हिटर एयरक्राफ्ट होंगे जैसे कि Su-30MKI और ऐसे ही राफेल एयरक्राफ्ट होंगे और फ्यूचर में हमारे AMC एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट होंगे जिनके साथ इस मिसाइल को लगाया जा सकता है। इस मिसाइल के डेवलपमेंट में हमें रशिया ने भी मदद की है और इसराइल ने भी मदद की है।
डीआरडीओ ने इस मिसाइल को बनाने के लिए रशिया की विम्पल जीएससी कंपनी की मदद ली है, जिन्होंने एक रैमजेट मोटर के ऊपर बहुत समय पहले कोई स्टडीज की थी। वो इस प्रोपल्शन सिस्टम को रशिया की R-77 बीवी रैम मिसाइल में लगाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कारणों के कारण ये काम नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने इसमें हमारी मदद की है। अभी इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इतना आपको दावे से कह सकते हैं कि जब ये मिसाइल बन जाएगी तो एयर टू एयर कॉम्बैट में हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट का कोई भी दुश्मन एयरक्राफ्ट मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।